हेलो एवरीवन, माईसेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे इम्यूनिटी के बारे में, बेसिकली व्हाट इज़ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का कंसेप्ट समझने के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंड पैथोजेंस के बारे में कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट आर पैथोजेंस। तो चलिए सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझते हैं कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जिन ऑर्गेनिजम्स को हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए या इन्हें देखने के लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जिस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप। चलिए अब हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इस यूनिवर्स में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। हमारी पूरी सराउंडिंग में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप अपने माइंड में कोई भी ऐसी प्लेस इमेजिन कर सकें जहाँ पे आपको लगे कि कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, इवन ये माइक्रोब्स उस प्लेस पर भी सरवाइव कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ प्लेसेस इमेजिन करवाता हूँ, जैसे कि थर्मल वेंट्स। थर्मल वेंट्स का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ पर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थर्मल वेंट में भी सरवाइव कर सकते हैं। स्नो का जो टेम्परेचर होता है वो -डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस -डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम की। एसिडिक मीडियम में कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एसिडिक मीडियम में भी सर्वाइव कर सकते हैं। दैट्स मीन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस यूनिवर्स में हर जगह प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पैथोजेंस के बारे में कि व्हाट आर पैथोजेंस। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। व्हाट आर पैथोजेंस? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं पैथोजेंस के एग्जांपल, जैसे कि बैक्टीरिया पैथोजन है, वायरस भी पैथोजन है, फंगस भी पैथोजन है, प्रोटोजोआ भी पैथोजन है, हेलमिंथ्स ये भी क्या है? पैथोजन है। तो जब ये पैथोजेंस क्या है? बेसिकली डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और हमने अभी डिस्कस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यूनिवर्स में हर जगह प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब जो ये बैक्टीरिया वायरस यानी कि जो ये पैथोजेंस हैं, ये भी कहाँ प्रेजेंट हैं? हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं। तो जब ये हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं तो ये हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकते हैं, बिल्कुल कॉज कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर क्या कर सकता है? डिजीज कॉज कर सकता है। ये वायरस भी हमारी बॉडी के अंदर क्या कर सकता है? डिजीज कॉज कर सकता है। ये फंगस भी हमारी बॉडी में क्या कर सकता है? डिजीज कॉज कर सकता है। ये प्रोटोजोआ, ये हेलमिंथ्स भी हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं। क्यों डिजीज कॉज कर सकते हैं? क्योंकि ये हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, इसीलिए हमारी बॉडी में क्या कर सकते हैं? डिजीज कॉज कर सकते हैं। और इनकी कैपेबिलिटी है कि ये ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो जब ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकते हैं, हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ मैकेनिज्म होने चाहिए, हमारी बॉडी की कुछ एबिलिटी होनी चाहिए जिस एबिलिटी की वजह से हमारी बॉडी इन पैथोजन से फाइट कर सके। और फाइट क्यों करे, किस लिए फाइट कराने की जरूरत है इन पैथोजेंस के साथ? फाइट कराने की इसलिए जरूरत है ताकि हमारी बॉडी के अंदर डिजीज का डेवलपमेंट ना हो। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ एबिलिटी है, जिस एबिलिटी की वजह से हमारी बॉडी इन पैथोजन से फाइट करेगी। जब ये पैथोजन हमारी बॉडी पर अटैक करेंगे तो हमारी बॉडी इन पैथोजन से क्या करेगी? फाइट करेगी। और उस फाइट करने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिजीज का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जो ये एबिलिटी है फाइट करने की, ताकि हमारी बॉडी के अंदर डिजीज का डेवलपमेंट ना हो, इसी एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। चलिए हम बुकिस डेफिनेशन देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फाइट विद द पैथोजन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम द डिजीज। यही चीज तो मैंने आपको भी बताई कि ह्यूमन बॉडी या ऑर्गेनिजम्स की वो एबिलिटी जिस एबिलिटी की वजह से
हमारी बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी क्या करती है, इन पैथोजन से फाइट करती है, जिसकी वजह से डिजीज का डेवलपमेंट ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। दिस इज द कंसेप्ट अबाउट इम्यूनिटी। हमने डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया है कि व्हाट इज इम्यूनिटी। बेसिकली जो इम्यूनिटी होती है वो दो तरह की होती है, इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कंसेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।